हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक कॉल आने की वजह से वीडियो में कुछ इंटरप्शंस हो गया था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो हम लोग क्या कंटिन्यू कर रहे थे, अभी हमारा जो ये पोर्शन था बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के बेसिस पे जो हमारे क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन हुआ है उसको हम लोग अभी देख रहे थे। ठीक है, तो एनुअल्स हैं हमारे, एनुअल क्रॉप्स हैं, बाइनियल क्रॉप्स हैं, ओके, पेरेनियल क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए, जरूरी नहीं है कि एनुअल में केवल क्रॉप्स ही आएंगे, इसमें हॉर्टिकल्चर वाले भी बहुत सारे आते हैं, फॉरेस्ट वाले ट्रीज भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बट वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट क्रॉप्स, एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स, ओके, जो हम लोग एग्रोनॉमी में क्रॉप्स लगाते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो एनुअल बोले तो एक वर्षीय, ऐसे क्रॉप जिनका लाइफ साइकिल एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक साल या एक सीजन में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, वो आपके किस में आएंगे भाई, एनुअल क्रॉप्स में आएंगे। ठीक है, अ प्लांट विच ग्रोज फ्रॉम सीड कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल एंड डाइज ड्यूरिंग द सीजन और सेम ईयर। मतलब ऐसे क्रॉप जिनका लाइफ साइकिल बोले तो क्या, सीडलिंग से लेकर हार्वेस्टिंग एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाते हैं, पूरा का पूरा एक ही सीजन में या सेम ईयर में। तो वैसे क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, एनुअल क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि सीरियल क्रॉप्स आपके जितने भी होते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, एनुअल्स में आएंगे। ठीक है, दूसरा क्या आपका बाइनियल्स है, अ प्लांट विच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू सीजन और ईयर। ऐसे क्रॉप्स जो अपने लाइफ साइकिल को दो सीजन में कंप्लीट करते हैं और एक साल ड्यूरिंग फर्स्ट सीजन या फर्स्ट ईयर क्या करते हैं, दे कंप्लीट इट्स वेजिटेटिव ग्रोथ एंड ड्यूरिंग सेकेंड सीजन या सेकेंड ईयर दे कंप्लीट इट्स रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। वैसे क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, बाइनल क्रॉप्स में हम लोग क्लासिफाई किए हुए हैं। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं, शुगर केन है, शुगर बीट है, ओके, बनाना है और ओनियन है। ठीक है, तो ये एनुअल बाइनल बोले तो ये दो सीजन या दो साल के अंदर में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। एक सीजन में क्या करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ को अटेंड करते हैं और दूसरे सीजन में क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को अटेंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनियल क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखेंगे पेरेनियल क्रॉप्स, अ प्लांट विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन मोर देन टू सीजन्स और ईयर्स, उसे हम क्या बोलेंगे, पेरेनियल क्रॉप्स। ऐसे प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल को दो या दो साल से अधिक साल में कंप्लीट करते हैं या सीजन में कंप्लीट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल क्रॉप्स। जैसे अगावे होता है, एलिफेंट फूट, ओल, जिस ओल बोलते हैं हम लोग, कंदा बोलते हैं, वो सब किस में आएंगे, ये पेरेनियल वाले में आएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं एंड आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, जो हमारा ने फर्दर जो लास्ट स्लाइड है उसे हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, ये आपके क्या है जो आप देख रहे हैं, ये क्या है आपके, बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पस, ओके, बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे क्वेश्चन आपको तो बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। रो क्रॉप्स क्या होते हैं, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रोज विथ यूनिफॉर्म स्पेसिंग थ्रू आउट द फील्ड। ठीक है, किसी भी फील्ड में जब हम प्रॉपर रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि ओनली रो में लगाते हैं। ठीक है, वैसे तो जनरली सारे क्रॉप्स को हम लोग रो क्रॉप्स में ही लगाते हैं, मतलब कहने का मतलब है जब आप कोई भी क्रॉप्स रो में लगा रहे हैं उसमें यूनिफॉर्म स्पेसिंग, इक्वल स्पेसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसे क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, रो क्रॉप्स। कॉटन हो गया, कैस्टर हो गया, सॉर्गम हो गया, मोस्टली ऑल लगभग सारे क्रॉप्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं भाई, यूनिफॉर्म स्पेसिंग मेंटेन करते हैं। देन व्हेन वी मेंटेन द यूनिफॉर्म स्पेसिंग अमंग द थ्रू आउट द फील्ड, उस क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं भाई, रो क्रॉप्स बोलते हैं, बात खत्म। वहां पे हमें यूनिफॉर्म स्पेसिंग मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, सपोर्ट क्रॉप्स, सपोर्ट क्रॉप्स क्या होते हैं, हिंदी नाम से ही पता चल रहा है, सपोर्ट करने वाले, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले। सर्टेन फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स वर्क एज सपोर्टर टू वाइन क्रॉप्स। ठीक है, कैस्टर हो गया, सेरवेरी इन बीटल वाइन, सॉर्गम इन काउपी बीन, ऐसे कुछ फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं जो दूसरे वाइन क्रॉप्स वाले को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल हैं, कैस्टर हो गया, सेरवेरी इन बीटल वाइन हो गया। तीसरा क्या आपका, विंड ब्रेक क्रॉप्स। ठीक है, विंड ब्रेक क्रॉप्स ऐसे फसल जो हम अपने फसल के जो हमारा जो बंड होता है ना, बंड होते हैं फील्ड का चारों साइड वाला जो एरिया होता है उसके साइड साइड में हम कुछ ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ ट्रीज लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, जो हमारे मेन क्रॉप्स को सपोर्ट करते हैं एक तरह से। जैसे कि किससे, हवा जब तेज चलता है तो उसको वो हवा को ब्रेक कर देते हैं, हमारे मेन क्रॉप को उस हवा से कोई
उतना नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, क्रॉप्स विच आर ग्रोन ऑन बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट द फील्ड क्रॉप्स फ्रॉम विंड, मतलब हवा से बचाने के लिए हमारे बाउंड्रीज के चारों साइड में जो क्रॉप्स हम लोग लगाते हैं अपने मेन क्रॉप्स को बचाने के लिए, उस क्रॉप को हम क्या बोलते हैं भाई, विंड क्रॉप्स। जनरली इसमें हम लोग ट्रीज लगाते हैं, मोस्टली ट्रीज लाइक पॉपुलर, यूकेलिप्टस एंड कॉनिफेरस ट्री, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, विंड ब्रेक क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स। आप देख सकते हैं कवर क्रॉप्स क्या है, कवर क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरली टू कवर द सॉइल एंड टू रिड्यूस द लॉस्ट ऑफ मॉइस्चर एंड इरोजन बाई विंड एंड वाटर। कवर क्रॉप्स ऐसे फसल होते हैं जो अपने मिट्टी को कवर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जब मिट्टी को कवर, मतलब ऐसे क्रॉप जो हमारे मिट्टी को कवर कर देते हैं, ठीक है, मिट्टी को कवर कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे मॉइस्चर का लॉस कम होता है और इरोजन हवा और पानी के द्वारा इरोजन भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो जैसे ग्राउंडनट जो क्रॉप है, ये क्या होता है, किडनी बीन हो गया, काउपी हो गया, मूंग बीन हो गया, ऐसे कैसे क्रॉप्स होते हैं, ये सब कवर क्रॉप्स होते हैं, हमारे मिट्टी को क्या करते हैं, ढक देते हैं। और ऐसा नहीं कि इनका फ्लावरिंग नहीं होता है, यील्ड मिलता है, और हमारे मिट्टी को क्या कवर कर देते हैं, जिससे कि मॉइस्चर और इरोजन का कंट्रोल वहाँ पे आसानी से हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे, साइलेज क्रॉप्स, ये जो चारा वाली जो फसलें होते हैं जो हम अपने जानवर को खिलाने के लिए कल्टिवेशन करते हैं, ठीक है। क्रॉप्स विच आर प्रिजर्व इन अ सकुलेंट कंडीशन बाई पार्शियल फर्मेंटेशन इन अ टाइट सिलो पीच। अब सिलो पीट क्या होता है, गड्ढा बनाकर क्या करते हैं हम लोग, ऐसे जैसे मेज, सोरगम, बाजरा, ये सब का कट करके सकुलेंट होते हैं, जिसमें धड़ का मॉइस्चर रहता है, जवल का मॉइस्चर रहेगा, तो जब कट करके उनको हम पीट में, गड्ढा में रख देते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करते हैं अपने जानवर को खिलाने के लिए। एक तरह से ये चारा वाली फसलें होते हैं, ठीक है। जब हम चारा वाली फसलें को प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं भाई, साइलेज क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। हे एंड साइलेज क्रॉप्स होते हैं, तो ये पहला आपका क्या है, साइलेज क्रॉप्स, ठीक है। आगे का देखते हैं हम लोग, पोर्शन क्या है हमारा आगे का, ठीक है। आगे आप इसमें देख रहे हैं क्या है आपका, कैश क्रॉप्स है, ठीक है। कैश क्रॉप्स बोले तो नकदी फसल, मतलब ऐसे फसल जिसको हमें बेच कर देन एंड देयर हमें पैसा इन हैंड कैश मिल जाता है, ठीक है। द क्रॉप ग्रोन फॉर सेल एंड ब्रिंग्स मनी इमेडिएटली, जैसे कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, पोटैटो, शुगर केन, ये सब कैसे क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, इन्हें हमें बेच कर इमेडिएटली देन एंड देयर हमें पैसा मिल जाता है, मतलब कैश हमें मिल जाता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, कैश क्रॉप्स बोला गया हुआ है, ठीक है। आगे क्या है आपका, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स है, एनी क्रॉप विच आर ग्रोन एंड बरेड इन टू द सॉयल फॉर इम्प्रूविंग द सॉयल कंडीशन बाई एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऐसे फसल जिसको हम ग्रो करते हैं अपने फील्ड में, और ठीक है, और ग्रो करके क्या करते हैं, जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है तो उनको हम बरीड कर उसी में गाड़ देते हैं, मतलब उसी में प्लो करके उसमें उसी को डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने से क्या होता है, हमारे मिट्टी का कंडीशंस इंप्रूव होते हैं, ठीक है। और वो एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, जिससे कि हमारा मिट्टी का हेल्थ इंप्रूव होता है, मिट्टी हमारा और न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। जैसे कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स में कौन से आ जाएंगे आपके, सनहेम, ढाइचा, ग्लारिस, सीडिया, ये सब कुछ क्रॉप्स हैं जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं जो हम लोग ग्रो कराते हैं, और जब वेजिटेटिव ग्रोथ अटेंड कर लेते हैं तो इनको हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में प्लो कर देते हैं और बरी कर देते हैं, वहीं पे इनको हम गाड़ देते हैं। गाड़ देने से कहने का मतलब कि जब प्लोइंग करेंगे तो क्या होंगे भाई, वो मिट्टी में मिल जाते हैं और धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने से क्या होता है, सॉइल का कंडीशंस इंप्रूव होते हैं हमारा, उसका फर्टिलिटी वगैरह इंप्रूव होता है, और वो ऑर्गेनिक मैटर का एक बहुत बड़ा सोर्स हो जाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स अच्छा तरीके से प्रोवाइड कराते हैं हमारे मिट्टी के लिए। और उस केस में हमें एक्स्ट्रा जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे उसका डोज कम भी कर सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मिट्टी में ग्रीन मैन्यूअल क्रॉप्स डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा रूप से प्रदान कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक है। कैच क्रॉप्स लास्ट है ये, कैच क्रॉप्स आप देख सकते हैं, क्रॉप्स विच आर ग्रोन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द मेन क्रॉप दैट हैज फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। ऐसे क्रॉप्स जो हम मेन क्रॉप के साथ लगाते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि मेन क्रॉप हमारा किसी अनफेवरेबल कंडीशन से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, मतलब वो हमें यील्ड नहीं देता है, तो जो हमारा सब्स्टिट्यूट क्रॉप होता है उसके लॉस को वो भरपाई कर देता है, ठीक है। जो कैच क्रॉप जो हम लगाते हैं मेन क्रॉप के साथ, तो मेन क्रॉप जब हमारा किसी भी कंडीशन से, मतलब किसी भी कंडीशन से वो फेलियर हो गया, तो उस क्रॉप का बदले जो दूसरा क्रॉप है, सब्स्टिट्यूट क्रॉप है, उसका भरपाई कर देता है, तो वैसे क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, कैच क्रॉप। जैसे कि काउपी हो गया आपका, सीसम हो गया,
ग्रीन ग्राम हो गया, मतलब इन क्रॉप्स को हम किसी दूसरे मेन क्रॉप के साथ लगाएंगे फील्ड में, तो इन केस जब वो मेन क्रॉप हमारा फेलियर हो जाता है तो हमारा ये जो कैच क्रॉप है वो उसका यील्ड को भरपाई कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे क्रॉप को हम क्या बोलते हैं भाई, कैच क्रॉप्स बोलते हैं। इसी तरह कुछ और भी क्रॉप्स हैं, ट्रक गार्डन, ट्रक क्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो क्लासेज में पढ़े हुए थे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और कुछ और लास्ट, वो लास्ट पोर्शन है, इसको अभी देख लेते हैं हम लोग क्या है हमारा, क्या लिखा हुआ है भाई, ट्रैप क्रॉप्स। ओके, ट्रैप क्रॉप्स, जैसे कि ट्रैप का बोले मतलब फंसाना, एक तरह से बोले ऐसे फसल जो किसी चीज को क्या फंसाएंगे भाई, इंसेक्ट को फंसाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, क्रॉप विच इज ग्रोन ऑन अ बाउंड्री ऑफ द फील्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट इंसेक्ट डिजीज। ऐसे क्रॉप्स जो हम अपने फील्ड के बाउंड्री के आसपास लगाते हैं जिससे क्या हम अपने मेन क्रॉप को पेस्ट से, इंसेक्ट से, डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे मस्टर्ड और वीट, वीट हम लगाते हैं और मस्टर्ड वीट के साइड साइड, बंड के साइड साइड मस्टर्ड भी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कुछ इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो हमारे वीट को अटैक करते हैं, तो जब वो बाउंड्री पे लगा रहता है मस्टर्ड का क्रॉप, तो वो मस्टर्ड क्रॉप उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने पास और उस क्रॉप इंसेक्ट पेस्ट से मस्टर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो मस्टर्ड उसको अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है, हमारे मेन क्रॉप को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे क्रॉप जब हम लगाते हैं तो उस क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैप क्रॉप। ओके, नर्स क्रॉप्स है, क्रॉप विच इज यूज टू प्रोटेक्ट और नर्स अदर क्रॉप्स इन देयर यंगर स्टेज। ऐसे क्रॉप जो हमारे मतलब ऐसे क्रॉप जो हमारे और दूसरे क्रॉप्स को यंगर स्टेज में सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, उस क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, नर्स क्रॉप्स। जैसे क्लस्टर बीन इन जिंजर, सन हेम्प इन शुगर केन। ठीक है, जब हम क्लस्टर बीन जिंजर के साथ लगाते हैं तो क्या करते हैं भाई, जिंजर उसको सपोर्ट करता है एक तरह से। ठीक है, क्लस्टर बीन को सपोर्ट करता है या सन हेम्प शुगर केन सन हेम्प को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उस क्रॉप को हम क्या बोलेंगे भाई, नर्स क्रॉप्स बोलते हैं। उसी तरह आपका कंपेनियन क्रॉप्स है, ऐसे क्रॉप्स टुगेदर हम लोग साथ में लगाते हैं विद दे आर बेनिफिटेड टू, ऐसे क्रॉप जो एक साथ लगाते हैं और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं। ठीक है, म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं एक दूसरे के, जैसे मेज एंड ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम क्या करता है भाई, बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है मेज के लिए। ठीक है, तो ये एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो उस क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं भाई, कंपेनियन क्रॉप, जो साथ में लगाते हैं एक एम से कि वो एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे, वैसे क्रॉप्स को हम कंपेनियन क्रॉप्स बोलते हैं। लास्ट क्या आपका, मिक्स्ड क्रॉप्स, जब हम दो और दो से अधिक फसल को एक साथ मिलाकर जब कल्टीवेशन करते हैं एक ही जमीन पे एक ही समय में, तो उस क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉप्स। जैसे कि बाजरा हो गया, काउपी, ग्रीन ग्राम, जब इन तीनों को दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिक्स करके जो हम फील्ड में लगा रहे हैं एक ही समय में, उस क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं भाई, मिक्स्ड क्रॉप्स बोलते हैं, मिश्रित फसलें। ठीक है, आप जानते भी होंगे, तो ऐसे क्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स वाला, आज का आपका यहीं पे खत्म होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी अभी तक लेक्चर पढ़ाए गए हैं उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी दिक्कत हो तो आप बेशक मेरे से पूछें। सो अगेन वी विल बी कमिंग इन नेक्स्ट लेक्चर विथ अ न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट, न्यू टॉपिक, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।